शक्ति से भजन कर रहे हैं। घर से बना के लाओ, कहाँ के हो आप लोग? ये देख सकते हो यहाँ से भी नया रास्ता स्टार्ट कर रहा है, उधर से जा रहा है। नाइट का वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए यार। तो कथा समाप्त होने के 40 मिनट बाद भी देखो भीड़, इतना भीड़ लगा भाई अभी भी। तो मेन गेट जो बने हैं पंडाल के अंदर जाने का, यहाँ का भीड़ पहले देख लो। और कथा समाप्त हुई, अब एक घंटा हो गया है और हेलो दोस्तों, केकेआर ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सबको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज मैं हूँ कोरिया, आज है चौथा दिन। जहाँ आप लोगों को पता है कि अभी शिव महापुराण कथा चल रहा है कोरिया में, तो आज है चौथा दिन। तो मैं सोचा आज और एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो मैं अभी बाहर में हूँ, जस्ट ग्राउंड के सामने उधर पंडाल है और यहाँ सब अपना अपना गाड़ी पार्किंग किए हैं यहाँ टोटल पूरा सभी। तो मैं भी अपना गाड़ी यहीं पार्किंग किया हूँ और चलते हैं अभी पंडाल की ओर। और अभी देख सकते हो यहाँ सब जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी 3:30 बज गए हैं और आज का कथा 4 बजे तक है, क्योंकि अभी कथा का टाइम चेंज हो गया है। कथा का टाइम 1 से 4 चल रहा है। तो देखो अभी मैं बहुत दूर में हूँ, गाड़ी यहीं पार्किंग किया हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पंडाल के पास। यहाँ सब दुकानें लगी है और ये बच्चों के लिए खेलने कूदने का लगा है, देख सकते हैं झूला भी है, छोटे छोटा झूला भी आया यहाँ। ये यहाँ से और सब श्रद्धालु जितना भक्त है सब जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि भाई टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे टाइम होते जाते, जैसे कथा समाप्त होने के बाद यहाँ जाम ज़्यादा हो जाता है भाई, 2 घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और अपन चल रहे पंडाल के पास, तो यहाँ से चलते हैं। और इधर देख सकते हो राइट साइड में बहुत, और यहाँ गंदगी नहीं करेंगे बोल रहे थे, लेकिन दुकान वाला ही गंदगी कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब कचरा वही फेंक रहा है, तो यही हो रहा है भाई गंदगी। दोस्तों मैं पहुँच गया पंडाल के पास, यहाँ प्यारा सा भजन चल रहा है, राम श्री राम, बहुत ही प्यारा सा भजन। और आज थोड़ा बढ़ाया गया है, इधर नहीं लगा था तो इसको थोड़ा बढ़ाया गया, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा था भाई बैठने के लिए। देख सकते हो प्यारा सा ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, सब यहाँ अभी भजन में बट देख सकते हो सब भजन कर रहे हैं। पूरा यहाँ शरबत बढ़ रहा है भाई, प्यारा सा सबके लिए शरबत बढ़ रहा है, सब भाई दही का शरबत है। घर से बना के लाओ, कहाँ के हो आप लोग? आप भी दे सकीजिए, आप भी दे सकीजिए। कहाँ से हो? पोटियाकला दुर्ग। पोटियाकला दुर्ग, अच्छा अपने पड़ोसी भाई है, पोटिया से आया है दुर्ग भैया। और बहुत प्यारा सा केके वर्मा ब्लॉग, मुझे भी लाना है। हाँ हाँ आ गया भाई, आ गए देख सकते हो। हाँ सब कह रहे भाई, आ रहा आ रहा है। और मैं भी ट्राई कर लेता हूँ भाई, क्या दोस्तों मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। बहुत ही अच्छा बना भाई, यहाँ भक्तों के लिए पूरा सेवा में लगे भाई लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। और देख सकते हो प्यारा, सबको शरबत प्यारा, मैं भी लिया भाई, बहुत ही मस्त बना है। आते साथ प्रसाद मिल गया मेरे को, तो यहाँ कथा हो गया भजन और यहाँ सब शरबत पी रहे, आप लोग भी पिए भाई, ठीक लग रहा है काका? ठीक है बोल रहे काका भी। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाता हूँ माहौल प्यारा सा। इधर देख सकते हो सब छाता वगैरह बढ़ के पकड़ के बैठे भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था। देखो ना यहाँ पंडाल की कमी के कारण, और ये जो नया पंडाल दिख रहा है यहाँ से अभी लगाया गया है। दोस्तों अभी चलते हैं पंडाल के राइट साइड में और वहाँ का माहौल दिखाते हैं कि राइट साइड में हो क्या रहा है। दोस्तों 4 बजने वाला है, यहाँ सब भक्त जन जा रहे हैं देख सकते हो, क्योंकि 4 बजे कथा समाप्त हो जाएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ 8 से 10 लाख व्यक्ति सब आता है भक्त, पूरा 8 से 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाते हैं भाई शिव भक्त बहुत ही ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है भाई। और
पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तधन्यदां शिवशङ्करा पुष्पां प्रसदाशिवाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विजय से राधे। सभी मात्र शक्तियों से मेरा निवेदन रहेगा अपने स्तर पर पंडु अवश्य रखे, अपनी चेन पर संपूर्ण मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री समाज को प्रदान करते रहे। धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाए, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखे। और मेरा निवेदन रहेगा जो भी भक्त अपनी स्वर्ग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र दोस्तों यहाँ आरती खत्म हो गया, उसके बाद सब श्रद्धालु देखो घर जाने के लिए रेडी हो गए, पूरा जा रहा है भाई। बहुत ही ज़्यादा भक्त, 8 से 10 लाख श्रद्धालु थे यहाँ, शिव भक्त सब घर जाने की तैयारी। और ये देख सकते हो, और आज 4 बजे समाप्त हो गए क्योंकि अभी यहाँ का कथा 1 से 4 हो रहा है डेली, टाइम चेंज कर दिया गया महाराज ने, तो 1 से 4 बजे अगर आप भी आते हो तो 1 बजे आ जाना, क्योंकि 1 से 4 ही चलता है। कई किसी को पता नहीं रहता, 2 बजे आएंगे तो कथा ही स्टार्ट होता रहता है, तो आप 1 बजे आइए और कथा सुनिए यहाँ का। दोस्तों यहाँ का भीड़ देखो, ये राइट साइड का है सेंटर का, बीच वाला है तो इसमें लेफ्ट साइड का, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ भाई। अभी धीरे धीरे सब कथा से जा रहा है क्योंकि कथा समाप्त हो गया है। देखो यहाँ कथा समाप्त होने के बाद भोजन चल रहा है भैया, क्योंकि बेचारे लोग सब खाए नहीं, श्रद्धालु कथा चल रहा था तो अब यहाँ भीड़ भी ज़्यादा था। चलते हैं उधर और आगे देखते हैं। दोस्तों ये है बीच सेंटर और महाराज जी का आसन वो दूर में बना है भाई, देख सकते हो बहुत दूर में है, तो शायद उसको दिखाना तो बहुत मुश्किल है भाई। मैं इससे पहले एक वीडियो में दिखा दिया हूँ, अगर नहीं देखोगे तो आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पूरा वहाँ यासन के पास गया था, पूरा पंडाल को दिखाया था। दोस्तों पंडाल को पूरा डेकोरेशन है, ये पूरा डेकोरेशन किया है जो कि मध्य प्रदेश का है, इसमें लिखा है माँ दुर्गा पांच मंदिर मध्य प्रदेश करके, तो यही है पूरा डेकोरेशन वाला किया है वीरेंद्र साहू, देख सकते हैं बोर्ड में। और पब्लिक सब अपना घर जाते हुए, दोस्तों यहाँ सब महाराज के इंतजार में खड़े क्योंकि महाराज यहीं से आना जाना करते हैं, इसके लिए देखो सब लाइन में लगे और महाराज शायद आ रहे हैं, सब यही इसका इंतजार कर रहे हैं। देखो बहुत पब्लिक महाराज के इंतजार ही कर रहे हैं, तो यहाँ से महाराज आने वाले हैं, और मैं आपको बता देता हूँ महाराज जी आ रहे हैं। अब देखो महाराज जी आ रहे हैं, और देखो पीछे से आ रहे हैं महाराज जी, और मजार दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाएगा महाराज जी, देखो महाराज जी आ रहा है। ये महाराज जी जा रहे हैं सर, ये महाराज जी जा रहे हैं। महाराज जी को
भी यहाँ से जा रहे हैं, सब सदर यहीं से स्वागत किए हैं। देखो ये पूरा पब्लिक लाइन से महाराज जी का इंतजार करते, यहाँ से देख सकते हैं पूरा पब्लिक महाराज जी के यहीं से इंतजार करते लाइन से, और सब महाराज जी के जाने के बाद यहाँ से सब जाते हैं। महाराज जी का चला गया, देख सकते हो बहुत आगे निकल गए दोस्तों। देख सकते हो महाराज जाने के बाद एरिया पूरा खाली हो रहा है, क्योंकि महाराज का इंतजार में थे, महाराज जी चले गए, सब सब जा रहे हैं यहाँ से, पूरा खाली हो जाएंगे धीरे धीरे। पूरा भक्त यही लाइन लगे रहते भाई, बहुत सारा बहुत ही भीड़ हो जाता है भाई यहाँ। अभी पंडाल ज़्यादा बढ़ाया नहीं, शायद और लगवाना था, लेकिन भक्तों को फिर धूप में बैठना पड़ता है, सब छाता वाता पकड़ के ही बैठते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो श्रद्धालुगण जहाँ से भी जाने का रास्ता मिल रहा है भाई, वहाँ से जा रहा है पूरा। इधर से देख सकते हो ये पूरा खेत तरफ से जा रहा है पूरा, देख सकते हो यहाँ कोई रोड नहीं है, खेत तरफ से ही जाने का उन लोग पूरा रास्ता ढूंढ लिया भाई, क्योंकि इधर का एक ही रास्ता था, इससे ज़्यादा भीड़ हो रहा था, तो उन लोग सब जहाँ से भी मिलते देखो, सब जिधर से भी बन रहा रास्ता वहीं से जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ रास्ते की कमी हो गई भाई, क्योंकि भक्त ज़्यादा आ जाते हैं। ये देख सकते हो यहाँ से भी नया रास्ता स्टार्ट कर रहा है, उधर से जा रहा है तो लंबा, देख सकते हो मैं जूम करके और दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो कितना श्रद्धालु सब इधर से ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है यहाँ बाहर निकलने का, तो वह भाई उधर से भी जा रहा है भाई, सब जैसा भी बनता है उधर चारों तरफ से ही ऐसी बाहर निकल जा रहे हैं। दोस्तों भैया देख सकते हो कचरा उठा रहा, सब कचरा किए तो अरे ज़रूरी भी है भाई, बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें गंदगी नहीं करना, क्योंकि अभी और तक बचा है चार दिन, चौथा दिन मतलब तीन दिन और बचा है, तो साफ करना बहुत जरूरी है। और भैया जो है अकेला बोरी में उठा रहा है, ज़रूरी है। और यहाँ देखो बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो गया है, और इसको सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि साफ रहे, अभी चार दिन का समय बचा है। और उधर का तो सब जो जो रहते हैं वहाँ अपना जगह में साफ सुथरा कर भी लेते हैं भाई। दोस्तों कथा इस तरह से सभी श्रद्धालु जा रहे हैं, देख सकते हैं बहुत खाली हो गया यहाँ पर सब श्रद्धालु, क्योंकि जा रहा है धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा है। और भाई देखो यहाँ भी सफाई कर रहा है, ये बहुत ही जरूरी भाई सफाई कर रहा है, देख सकते हो बहुत लोग सब चले गए कथा इस तरह से। दोस्तों अगर आपको नाइट का वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए यार, फिर मैं नाइट का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं कहाँ से बनाऊंगा भाई, कमेंट जरूर कीजिए। नाइट का वीडियो देखना है तो फिर मैं नाइट का एक दिन जरूर आऊंगा और बनाऊंगा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो निकलने के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इधर देखो श्रद्धालु कितना ज़्यादा भीड़ है। ये पार्किंग स्थल देख सकते हो, ये देखो क्या सिंगर रोड था उस टाइम, सामने में आपको दिखाया था कि सब उधर खेत तरफ से जा रहे थे, और यहाँ देख सकते हो ये देखो कितना भीड़ है ये, और इधर देख सकते हो इधर भी भीड़ लगा, और यहाँ सामने में गाड़ी वाला क्या किया, भंडारा लगा दिया, प्रसाद बांट रहा है, तो फिर भीड़ कर दिया है ज़्यादा से। और इधर रोड में देखो कितना भीड़ है, आपको निकलना है भाई तो कथा के पहले निकल जाओ, कथा के बाद तो बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाता है, देखो कितना ज़्यादा भीड़ है भाई। और एक भैया देखो क्या मस्त चरखा चला रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पत्थर, लेकिन देखो क्या मस्त लग रहा है भाई वहाँ का नज़ारा। और इधर भीड़ को देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया है। दोस्तों कथा समाप्त होने के 40 मिनट बाद भी देखो भीड़ इतना भीड़ लगा भाई, अभी भी और सब पहले से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और अभी भी भीड़ को देख सकते हो। दोस्तों ये देखो मेन गेट जो बने हैं पंडाल के अंदर जाने का, यहाँ तो भीड़ पहले देख लो, और कथा समाप्त हुई अब एक घंटा हो गया है, अभी भी देखो बहुत भक्त अंदर में है, लेकिन सब बाहर निकल उधर से भी जा रहा था खेत तरफ से, मैं आपको बताया था, देखो सब खेत तरफ से भी जा रहे हैं उधर से, ये देख सकते हो बहुत दूर में होगा भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं पता, लेकिन देखो वहाँ से भी जा रहा है, उधर का भीड़ देखो बढ़ते ही जा रहा है। इधर देखो ट्रैफिक, ये पूरा रोड के जात से मेन रोड हाईवे के जात, पूरा हाईवे भी जाम हो जाता है भाई बहुत लंबा। तो दोस्तों मैं अब यहाँ कथाई स्थल से मैं भी निकल रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग को अगर नाइट का वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते तो मैं कैसे करूँगा भाई, आप लोग कमेंट कीजिए तो हो सकता है मैं नाइट में भी आके एक आध वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते इसे नहीं बनाता। और देखो सब श्रद्धालुगण यहाँ से जा रहे हैं पूरा,
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।